नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो भी शूट करने में लेट हो गया, तो दोस्तों आए हैं हम काफी दूर चौराहे पे आए हैं, तो चल रहे हैं आपको चौराहा का लोकेशन दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन चौराहे पे वहाँ पे हम बोलेंगे नहीं दोस्तों, और आप देखते जाइएगा। हम जहाँ पे बाजार पे आते हैं सामान लेने, और वहाँ सामान लेते हैं, और काफी मतलब 2 किलोमीटर दूर हमारे गांव से है दोस्तों। तो हमारा बेटा वीडियो बनाएगा और आप देखते जाइएगा, तो इसके लिए शिकायत ना करना, हम बीच में वहाँ बाजार में नहीं बोल सकते दोस्तों। तो हमने सोचा कि थोड़ा लोकेशन वहाँ का आप सबको दिखा दूं, तो देखना जरूर दोस्तों। तो चलते हैं, आप दिखाते हैं आप सबको। तो दोस्तों हाथ में झोला लिए हैं, अभी सामान भी नहीं लिए हैं, चल रहे हैं आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम बीच चौराहे पे आ गए हैं, आप देख लीजिए। हमारे गांव का चौराहे का सब्जी तो दोस्तों हम चौराहे के इस पार आ गए हैं अपने घर की तरफ वाले रास्ते पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह पौधा हरा भरा है, और यहाँ आ गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, रास्ता के किनारे किस तरह पेड़ लगा हुआ है, कितना अच्छा से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरफ भी देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मछली जियाई गई है, यहाँ जाल लगा हुआ है किस तरह से, तो आप देख सकते हैं। हो सकता है मोबाइल में सही आए या ना आए, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने गांव से काफी दूर आ गए हैं, और यहाँ का दृश्य आप देख लीजिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मछली यहाँ जियाई गई है, तो मैं इस साइड दिखा दे रही हूँ, काफी मछलियाँ यहाँ पे हैं, तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों हम काफी अपने गांव से दूर आए थे, तो सोचा मैं यहाँ का लोकेशन थोड़ा दिखा दूं, और बीच में हम बोल नहीं पाए, तो इसके लिए क्षमा करना दोस्तों, क्योंकि अच्छा नहीं है दोस्तों, कोई देखता तो उनको अच्छा भी नहीं लगता। हमारा बेटा ही बनाया, बीच में हम नहीं, पीछे थे बेटे के। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों तो चल रहे हैं थोड़ा आप सबको और दिखा देते हैं लोकेशन। तो दोस्तों हमने सोचा थोड़े नजदीक से दिखा दें। तो गांव में इसी तरह तालाब बनाया जाता है गांव के किनारे दोस्तों, मछली पाला जाता है, और इससे कुछ आय हो जाता है, तो किसान काफी यहां मछलियां पालते हैं दोस्तों। तो हमने सोचा थोड़ा लोकेशन आपको दिखा दें, यहां हमारे गांव के ही पास है।
तो दोस्तों हो सकता है अंधेरा आ गया इस समय, स्क्रीन पे साफ नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं बादल छाया हुआ है, तो आप देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो शूट करने में आज काफ़ी लेट भी हो गया, हर दिन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें कई काम रहता है तो काम करना पड़ता है, तो हम अपना टाइम निकाल के ही करते हैं। तो दोस्तों ये पपीते का पौधा है, आप देख लीजिए, नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, इसमें फूल आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो इधर तरोई का सब्जी, जो तरोई बोला जाता है, वो है लगा हुआ है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम, थोड़ा सामान लेंगे, देख रहे हैं, झोला भी लिए हैं साथ में, और वीडियो भी शूट कर रहे हैं, तो वीडियो शूट करने के बाद सामान लेंगे दोस्तों। तो अब चल रहे हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक फल ये हमें देखने में मिल गया, मैं अभी पहली बार देखी हूँ दोस्तों, और आप देखे हैं तो जरूर बताना, काफी ऊपर है, नहीं तो हम जरूर आपको दिखाते, नजदीक तो है नहीं दोस्तों। तो बाबू ये किस चीज का पेड़ है? तो बाबू बोल रहा है दोस्तों, हम भी कहने में हमें हिचकिचाहट हो रही है, इसका नाम बालम खीरा है। अब पता नहीं क्या इसका यही नाम है दोस्तों, आप हंसेंगे जरूर, लेकिन मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ दोस्तों। आप हो सकता है आप नाम सुने होंगे, इसका कोई दवा ववा बनता है बता रहे हैं यहाँ के लोग, तो हम उनको सबको नहीं दिखाएंगे दोस्तों। गाँव के लोग, हर कोई लोग वीडियो में नहीं आते हैं, तो एक गैस वैस के दवा के लिए ये बनाया जाता है। तो आप देख लीजिए बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो आप देख लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफी बड़ा पेड़ है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे चली आई, तो ये पौधा हमारे यहाँ तो काफ़ी कम है दोस्तों, हमने आज पहली बार भी देखा है, तो हमने सोचा वीडियो में शूट कर लें इसको। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और हमारा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।